जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। हम लोग आज से कोऑर्डिनेट 10th का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th का कोऑर्डिनेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे हम लोगों का कोऑर्डिनेट पार्ट 4 हो गया, नहीं तो 10th के लिए पहला क्लास है, उसका भी इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन इंट्रोडक्शन 9th की तरह उतना डीप में नहीं। उतना यदि समझना हो, उतना यदि आपका कमज़ोर हो, यदि आप उतना नहीं पढ़े हुए होंगे 9th में, तब आप 9th को देख लीजिएगा। 9th वाला का जो पहला दूसरा है उसको देख लीजिएगा, अन्यथा यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया, वही चीज़ जो हम 9th वाला में बताए थे उसी में आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया, तो थोड़ा उसी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। यानी हाफ पेंट से अब फुल पेंट पर चले आते हैं, ठीक है। चलिए, चलो भैया, जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ मंगला। यहाँ तक तो आएगा और आगे भी आ सकता है, यानी यहाँ तक आ सकता है ना। खैर, उतना दूर हम नहीं जाएंगे, ना ही रहेंगे, ठीक है। तो क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 4 है, या किसके लिए है? 10th वाला के लिए, ठीक है। किसके लिए है? 10th वाला के लिए, और साथ साथ फाउंडेशन वाला के लिए। साथ साथ किसके लिए? फाउंडेशन वाला के लिए। उसको भी तो पढ़ना है, स्टार्टिंग तो उसका भी होना है, ठीक। सबसे पहली बात, हम लोग क्या पढ़े थे? फादर ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। क्या पढ़े थे? डेकार्ट। क्या थे? फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन थे? डेकार्ट थे ना, एक ही नाम दिए थे हम 9th में, ठीक है। 10th में एक नाम इसमें और घुसा देते हैं, फादर तो नहीं कहेंगे लेकिन उनका भी कंट्रीब्यूशन था, हाँ उनका भी कंट्रीब्यूशन था। उनका नाम था फर्मेंट। क्या नाम था उनका? फर्मेंट। वो भी लेकिन संयोग से फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं हम, फ्रेंच मैथमेटिशियन फर्मेट। क्या नाम था उनका? फर्मेट। इनका कितना से था? 1601 से और कितना तक था? 1665 इनका था समय, ठीक है। वही 17th सेंचुरी जिसमें उनका था उसमें इनका भी था। ई भी फ्रेंच मैथमेटिशियन फर्मेट आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इनका भी कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। इनका भी नाम लेना थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हुआ, तो जब एक के बाद दो हो तो दूसरा में इनका नाम लेना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आई है कि नाम तो हम लोग रखे इस मैथ का, क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक और नाम है इसका, क्या सोचिए? एक तो कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है, और पीछे से लेना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिक, एनालिटिक, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहिए या एनालिटिक कहिए, ठीक। थोड़ा सा बढ़ा, अच्छा। उसके बाद कुछ पॉइंट जो उसमें हम पढ़े थे वही पॉइंट फिर हम बता रहे हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदल दिया जाए। क्यों? क्योंकि फुल पेंट से, हाफ पेंट से कहाँ आ गए,
फुल पैंट पर चले आए। अब बीच में कुछ बच्चा पहन के चला आता है, न हाफ पैंट न फुल पैंट, 3/4, ये कौन हुआ भाई? एक नियम से न चलेगा, यदि ये नियम को तोड़ेगा यानी घर का जो नियम है, तुम्हारे घर का जो संस्कार है, उसको भी तोड़ देगा क्या? क्या क्या पॉइंट है? दो चार पॉइंट लिख लीजिए। जैसे उसमें एफ सीसा पढ़े थे हम लोग, नहीं एफ सीसा को कैसे डिफाइन करें? ठीक है, एफ सीसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ सीसा इज द परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है कि नहीं, कि लाल से बदल दें ब्लैक कर दें। एफ सीसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, इस एक्सिस से वाई एक्सिस। देखे वर्ड में ले आए, एक्सटेंडर बढ़ा दिया आपका। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, ऑन का है लिख लिया हम, दी एफ सीसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ना फ्रॉम वाई एक्सिस। अब आ जाइए ऑर्डिनेट, अब क्या आ जाइए ऑर्डिनेट, इतना नहीं लिखते हम, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या कलम भी बचा, टाइम भी बचा। आ जाइए अब तीसरा पॉइंट, वाई एक्सिस पर एफ सीसा जीरो होता था, लेकिन एफ सीसा ऑफ एनी पॉइंट, एफ सीसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज क्या? जीरो। ऑब्जेक्टिव हो गया एक हिसाब से, नहीं ट्रू फॉल्स कहिए इसमें डाला जा सकता है। और यहां लिख देते हैं ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज क्या? जीरो। यही सब चीज हम बताएं। पांचवा पॉइंट ले लीजिए, कोऑर्डिनेट्स डी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन आर सेम। यदि हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उस सबका कोऑर्डिनेट क्या होगा? यदि ऑर्डिनेट क्या होगा? सेम। और छठा लिखिए, दी एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ, इसमें कर दीजिए वर्टिकल, वर्टिकल लाइंस आर सेम या इक्वल। ठीक है, 6.7 पॉइंट लिख लीजिए मेरे हिसाब से, कि जैसे कोई पॉइंट देता था और कहता था किस क्वाड्रेंट में, तो कुछ ऐसा भी तो पॉइंट है जो किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, नहीं है, जो एक्सिस पर पड़ जाता था, तो पॉइंट ऑन एक्सिस हैज नो क्वाड्रेंट। क्या सतमा लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? द पॉइंट्स ऑन एक्सिस, द पॉइंट पॉइंट्स ऑन एक्सिस of coordinates, क्या होगा? The points on axis of coordinates, क्या लिखेगा? Do not lie in any quadrant, in any quadrant, वो किसी quadrant में नहीं होता है, वो कहाँ था? Point पर lie करता है। ठीक है, time हो रहा है, लेकिन ये जरूरी था आपका, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि नहीं, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, नहीं फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं अपना पॉइंट, हो गया आपका इंट्रोडक्शन खत्म।
अच्छा एक चीज और बता दें, चलो इसको हम साफ करें, तब स्टैंडर्ड के हिसाब से बदलते जाता है। जैसे एक चीज देखो, ये हम लोग क्वाड्रेंट में बांटे थे नाइन्थ वाला में, यहाँ भी हम बांट रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओडी, इसका नाम हम क्या लिखे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखे थे या एक्स ओ वाई प्लेन लिखे थे, ठीक है, यदि कन्फ्यूजन होगा तो अपना देख लीजिएगा, इसका वाई एक्स डैश ओ वाई प्लेन या सेकेंड क्वाड्रेंट, इसी प्रकार से पहले एक्स वाला लेंगे तब वाई वाला, यहाँ भी बताना चाह रहे हैं अब इसका साइन क्या होगा। तो इसमें हम अब ये काम लिखते हैं, दोनों पॉजिटिव है, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो, लिख सकते हैं कि नहीं है स्टैंडर्ड के हिसाब से, इसमें एक्स इज स्मॉलर देन जीरो और वाई इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी तरीका हो सकता है, इसमें एक्स इज स्मॉलर देन जीरो वाई इज स्मॉलर देन जीरो, इसमें एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वाई इज स्मॉलर देन जीरो, ये भी तो लिखा जा सकता है स्टैंडर्ड के हिसाब से, फुल पेंट का बात हो रहा है, ठीक है, चलो हो गया, यही हमको बताना था। चलिए अब हम आ जाते हैं टेंथ के पॉइंट पर, कितना मिनट गया, 10 से 12 मिनट में गया, लेकिन एक बार समरी हो गया, अब मेरा अगला पॉइंट है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या पॉइंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो टेंथ का यहां से स्टार्ट हो रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, सो देखिए आप पहले, जैसे ये आपका ग्राफ है, ये एक्स एक्स डैश है, बिना एरो का कभी मत लिखना, बिना एरो का कभी मत लिखना, ठीक है, यहाँ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा घुमा दो, हाँ। अब मान लो एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं एक्स वन वाई वन, और एक यहाँ पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट का नाम देते हैं एक्स टू वाई, दो पॉइंट हो गया, इसी के बीच का डिस्टेंस लिखा निकालना है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या ए बी, मैंने ए बी जो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है उसके बीच का क्या निकालना है हमको, डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई, यही मेरा क्वेश्चन है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, अब इसको हमको बनाना है, तो ग्राफ तो हम लोग पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़े हैं, नाम है इसका ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा, हम क्या करते हैं ए से एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं यहाँ पर ए एन, और बी से एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं यहाँ क्या बी एन, गिरा दिए, और एक परपेंडिकुलर ए से ए पी गिरा देते हैं किस पर बी एन पर, क्या क्या गिरा है सो देखिए, आपका एक्सिस एक था एक्स ओ एक्स डैश, दूसरा एक्सिस था वाई ओ वाई डैश, आपका एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है क्या एक्स टू वाई टू, इसी दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी ए बी का डिस्टेंस क्या हो, नहीं है तो ए बी के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या क्या किए कंस्ट्रक्शन में, क्या किए ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू क्या, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, नहीं या एक्स एक्सिस, उसके बाद बी एन परपेंडिकुलर टू क्या एक्स एक्सिस, एंड ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू क्या बी एन, ये ना, अब एक चीज देखो, तो पढ़ लिया कोऑर्डिनेट, इतना नाइन्थ में देखा है, ये पॉइंट जो मेरा x1 y1 को शो कर रहा है पॉइंट ए, इसका मतलब क्या
ओ एम जो है ये एक्स वन रहा होगा, नहीं, और ये जो है ये पॉइंट यहां तक ये क्या रहा होगा, वाई वन रहा होगा, तब ना ये पॉइंट ए शो किया मेरा एक्स वन वाई वन, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसी प्रकार से यहां से लेकर के एन तक जो है यह मेरा एक्स टू रहा होगा, और यहां से लेके बी तक मेरा क्या रहा होगा, वाई टू। तब ना पॉइंट बी जो लिखे हैं हम, पॉइंट बी क्या लिखे हैं, पॉइंट बी क्या लिखे हैं, एक्स टू वाई टू हो गया। अच्छा ये भी इस पर परपेंडिकुलर है, इतना तक में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास ए पी बी जो है, ए पी बी एक राइट ट्रायंगल बन गया, नहीं बन गया, ए पी बी क्या बन गया, एक राइट ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब हम सबका अलग अलग डिस्टेंस निकालते हैं, क्या हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना क्या है, ए बी, ध्यान रखना एम कहाँ है मेरा, ए बी पर। तो एक पाइथागोरस थ्योरम कहता है ए पी बी जब राइट ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े हैं, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, ये ना पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर तो हमको निकालना है। अब बाकी बात रहा मेरा ए पी स्क्वायर का, तो ए पी निकलेगा तब ना, ए पी कैसे निकलेगा, ए पी जो है अब यहाँ पर अलग से लिख लो कि ए पी जो है मेरा वो किसके बराबर है, एम एन के बराबर, ए पी इज इक्वल टू एम एन है, तो एम एन हम कैसे निकालेंगे, ओ एन माइनस ओ एम में लिख सकते हैं, ध्यान देखो एम एन बराबर कितना, ओ एन और माइनस ओ एम लिख दो इक्वल टू ओ एन माइनस ओ एम। अब देखो ओ एन कितना है, ओ एन एक्स टू है, ओ एन को हम एक्स टू लिए, ओ एम को क्या लिए, एक्स वन, निकल गया मेरा, निकल गया ना ए पी, यानी एम एन निकल गया, ए पी निकल गया। अब उसी प्रकार से हमको काम है बी पी का, बी पी का काम, ठीक, बी पी साहब जो हैं, बी पी साहब कैसे निकलेंगे, बी एन माइनस पी एन, बी एन माइनस पी एन इजिकल टू क्या, बी पी लिख दो बी एन माइनस पी एन, ठीक है। अब देखो ये जो मेरा बी एन है, पी एन किसके बराबर है, ए एम के बराबर नहीं है, पी एन किसके बराबर है, ए एम के बराबर, ठीक। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं बी एन हाँ माइनस क्या ए एम, क्यों, क्योंकि पी एन बराबर है किसका, ए एम का, हो गया। बी एन मेरा क्या है, वाई टू, और ए एम क्या है, वाई वन, निकल गया। अब इस दोनों वैल्यू को हम यहाँ डाल देते हैं, बात समझ गए, ये वैल्यू को इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ये दोनों वैल्यू को आप इसमें डाल दीजिए, तो क्या आएगा, तो आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, यानी क्या, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, अब पी बी स्क्वायर यानी बी पी स्क्वायर यानी क्या, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, आ गया। यानी आपको निकालना था ए बी, इसका स्क्वायर हटाइएगा, इधर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, और ये हो गया वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, हो गया काम आपका, नहीं हो गया, इसको और क्या लिख सकते हैं आप, एक्स वन एक्स टू क्या था, एफ सी सा, और वाई वन वाई टू क्या था, ऑर्डिनेट, नहीं इसको और लिख सकते हैं आप क्या, डिफरेंस ऑफ एफ सी सा, नहीं यानी स्क्वायर लिख देते हम, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ एफ सी सा, ठीक है, प्लस क्या, स्क्वायर ऑफ
डिफरेंस ऑफ, अब तो उधर आएगा नहीं, ऑर्डिनेट, इसका ऑर्डिनेट हो गया, समझ गए। अब एक चीज और देखना, इतने हो गया, कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है, कोई पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है वाई वन थी एक्स वन वाई वन है, उसका कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। या इसको हम ये भी चेंज कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। यहाँ जो हम लिखे हैं एक्स टू माइनस एक्स वन क्या कह रहा है, एबसीसा का डिफरेंस ना जी, एक्स वन माइनस एक्स टू भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू। जब यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज कर देंगे, ठीक है। यही मेरा हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला, बस मेन चीज यही है। अब इसके बाद तुमको दिमाग लगाते रहना होगा, नहीं अब इस पर क्वेश्चन क्या क्या होता आगे में बताएंगे। जैसे कोई तीन पॉइंट लिया, हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हारा खत्म, कोई तीन पॉइंट लिया, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी, ठीक है, यहां तक हम लाइन में ले लिए हैं, आपको कोई तीन पॉइंट दिया, आपको कह रहा है कि वह कोलीनियर है कि नहीं, क्या है कोलीनियर माने एक ही लाइन में है कि नहीं, ठीक। यही तीनों पॉइंट लिया है, इसको बताना है हमको यह तीनों एक ही लाइन में है कि नहीं, इसका मतलब क्या, तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से बता सकता है कैसे, कि डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल सकते हैं, दोनों पॉइंट दिया हुआ है, और डिस्टेंस ऑफ बी सी दोनों निकाल लिए, ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस, और दोनों को यदि हम जोड़ते हैं और फिर ए सी का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। यदि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है, इसका मतलब पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है, यदि ऐसा नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। जैसे मान लो एक पॉइंट ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, ये दोनों पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी, ए बी प्लस बी सी बराबर होगा एसी का, नहीं होगा, इसका मतलब कोलिनियर नहीं है, ठीक है। चलो जय माँ बगलामुखी।